से ऊपर है या 7.5 से ऊपर है तो आपकी मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, साथ में प्रोडक्शन घटेगा। तो किस तरह से जिप्सम फायदेमंद होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी गर्मी में सबसे बेस्ट समय है कि आप जिप्सम का उपयोग करें तो आपको फायदा। प्लस सॉइल को सुधारने का काम करता है, सॉइल का कंडीशनर, जैसे हमारे बालों में हेयर फॉल होता है या फिर सफ़ेद सफ़ेद वो निकलता है तब हम कंडीशनर का उपयोग करते हैं, वैसे ही ज़मीन में सॉइल कंडीशनर के लिए या मृदा सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि सल्फर जो है प्रोटीन निर्माण कार्य करता है पौधों में, और साथ ही जो कैल्शियम है रूट ग्रोथ का डेवलपमेंट भी करता है। तो ज़मीन में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ज़्यादा जो सोडियम साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट का मतलब आप समझते हैं, सोडियम साल्ट जितना ज़्यादा होगा आपकी ज़मीन का उत्पादन उतना कम होगा, और जितने भी आप पोषक तत्व देंगे वह फिक्स हो जाएंगे या पौधों को नहीं मिलेंगे। तो एक तो हो गया कैल्शियम और एक हो गया सल्फर। यह होने की वजह से जिप्सम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती में किया जाता है। दूसरी बात है कि यदि आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो गया है, आपको ये पता नहीं है कि भैया मेरी मिट्टी हार्ड हो रही है या आपकी मिट्टी ज़्यादा बेसिक उर्वरक वजह से हार्ड हो रही है, आपका पीएच ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी फास्फोरस जैसे तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं, नाइट्रोजिनस पौधों तत्व नहीं मिल पाते, कई माइक्रोन्यूट्रेंट जो हैं वो पौधों को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट जो है